सरकार द्वारा हो रहे सौतेले व्यवहार के चलते नाराज ग्रामीण चिकित्सक आगामी 15 तारीख को करेंगे सिविल सर्जन का घेराव और ऑफिस में तालाबंदी। बक्सर जिला के सोनबरसा में विंध्यवासिनी इमरजेंसी हॉस्पिटल के द्वितीय स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित प्रदेश सम्मेलन में हजारों ग्रामीण चिकित्सकों ने भाग लिया। उक्त अवसर पर राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर मिथिलेश चौबे ने मीडिया के माध्यम से सरकार से अपनी नाराजगी व्यक्त की। बताया, हम ग्रामीण चिकित्सक कोरोना काल में जान जोखिम में डालकर मरीजों की सेवा की, फिर भी सरकार और स्वास्थ्य विभाग हमारे साथ सौतेला व्यवहार करती हैं। उन्होंने बताया, मुख्यमंत्री द्वारा ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी सेवा से जोड़ने का आह्वान किया था, फिर भी अभी तक उनका आह्वान धरातल पर नहीं उतरा। स्थानीय बक्सर के सिविल सर्जन द्वारा हम ग्रामीण चिकित्सकों के साथ शोषण किया जा रहा है, अगर यही रवैया रहेगा तो हम बक्सर से लेकर पटना तक पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन का कार्य करेंगे। साथ ही आगामी 15 तारीख को बक्सर के सिविल सर्जन के खिलाफ घेराव और सिविल सर्जन ऑफिस में तालाबंदी का काम करेंगे। बताते चले, उक्त मौके पर ग्रामीण चिकित्सक मंच के बक्सर चेयरमैन डॉक्टर भगनाथ यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, प्रदेश महासचिव गुप्तेश्वर प्रसाद गुप्ता इत्यादि सैकड़ों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बक्सर से धीरज कुमार की रिपोर्ट। चिकित्सक मंच जिंदाबाद, मिथिलेश चौबे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिहार ग्राम में चिकित्सक मंच जिंदाबाद। काटने का काम किया जा रहा है और साथ ही इनका सहयोगी हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी इनका सहयोग करेंगे। तालियों से स्वागत कीजिएगा। लोग जो इतिहास को बनाया करते हैं, जोरदार मिथिलेश चौबे सर जो हमारे बीच इतने हमारे बिहार ग्रामीण चिकित्सक मंच एक बूथ में एक स्टेज पर एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं और हमें लग रहा है कि आज ढेर सारों की तादाद में हुजूम में बिहार ग्रामीण चिकित्सक डॉक्टर मिथिलेश चौबे जी, आलोक तिवारी जी, जितेंद्र सिंह जी, विजय श्रीवास्तव जी, आनंद तिवारी जी, बाकी सब पदाधिकारी हम अभी कुछ होना है। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग अपने अपना स्थान, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं भगवान से दुआ करूंगा कि हमेशा हम लोगों पे आशीर्वाद बनाए रखे और इस तरह की जो हमारा ये उद्घाटन के रूप में हमारे इस मंच के ज्यादा जी को हमारे बक्सर जिला चेयरमैन भीमनाथ यादव जी करेंगे और शरण कुमार जी को भी बक्सर जिला चेयरमैन करेंगे भीमनाथ। जा रहा था बहुत और कोई भी हमारे चिकित्सक जाएंगे नहीं खाना करना चाहेंगे कि हम लोगों को जो मुख्यमंत्री आश्वासन दिए थे वो अपने जो बात किए थे वो खरे बात पे उतरे और हम लोगों को जो ट्रेनिंग हुआ उसके अनुरूप हम लोगों को कहीं रखा जाए और मानदेय हो। आगे हम लोगों को बक्सर जो 15 तारीख के सीएस का घेराव करना है, हर जगह हर जिला में ट्रेनिंग हो चुका है लेकिन हमने बक्सर जिला के सीएस के कुछ उसके बारे में लेटर के बारे में पता नहीं है जो कि 6 महीना गुजर चुका है। ये आकाश कब तक चलेगा? ये कार्य जब तक चलेगा कि बक्सर सीएस से हम लोग नहीं अपना ट्रेनिंग और आई कार्ड इशू नहीं करवा लेते हैं। भृंगनाथ यादव जिला चेयरमैन। इसे यही रहा कि हमारे ग्रामीण चिकित्सकों को लिए 2022 की रणनीति है कि यदि सरकार हम लोगों की नियोजन करने का कार्य नहीं कर रही है तो हम लोग राजस्तरीय धरना पटना में देने के तैयारी में हैं। सर, आप लोगों के आयोजन का आयोजन लोग करते हैं, आप लोग बहुत सारे मतलब प्रदर्शन करते हैं लेकिन फिर भी आप लोग अपने अधिकारों से वंचित हैं। इसलिए वंचित है कि हम लोग अभी सरकार हम लोगों की बातें गंभीरतापूर्वक नहीं ले रही है और हमारी जो बिहार में
पूर्ण रूपेण तैयारी नहीं है, जिसके चलते कि हम लोग विफल हो रहे हैं। सर, सरकार से मांग क्या है? सरकार से हम लोगों के यही मांग है कि जो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक है उनको स्वास्थ्य मित्र में बहाल किया जाए, और जो प्रशिक्षित है उनको अलग से राज रजिस्टर खोलकर उनको सूचीकरण किया जाए। दूसरी चीज कि जो आगे जो अप्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक रह गए हैं उनका प्रशिक्षण कराया जाए। सर, मुख्यमंत्री द्वारा तो मतलब ऐसा हुआ था कि आप लोगों को मतलब स्वीकृति दिया जाएगा? मुख्यमंत्री से तो अभी ऐसी कोई आवाजें नहीं आई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में ऐसा चल रहा है कि जो प्रशिक्षित है उसको सरकारी मुख्यधारा से जोड़ा जाए। बक्सर सिविल सर्जन करवाइए कैसा? बक्सर सिविल सर्जन बिल्कुल नकम्मा है। अभी तक स्वास्थ्य विभाग से जो लेटर आया हुआ है कोरोना का ट्रेनिंग कराकर और टीबी का ट्रेनिंग कराकर जो मुख्य धारा से फर्स्ट ट्रीटमेंट सपोर्टर के रूप में कार्य लेने के लिए, उसको खुद यही नहीं पता है कि हमारे यहाँ लेटर आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है। सर, आए दिन कार्रवाई पर कार्रवाई होता है आप लोगों पर, किस वजह पर मतलब क्या मुद्दा पर कार्रवाई करते हैं? बिल्कुल गलत, पैसा कमाने के लिए कार्रवाई करते हैं। उनको सिर्फ चिकित्सकों का शोषण कर पैसा कमाना सिर्फ काम है और कुछ काम नहीं है। इसके लिए हमारे ग्रामीण चिकित्सक उनको बख्शेंगे नहीं, उनको 15 तारीख को उनको इसका खमियाजा और सुनना पड़ेगा। क्या योजना रहेगा 15 तारीख को? ये रहेगा कि जो भी दंडात्मक कार्रवाई होती है उसको बंद करें, और जो लेटर आया हुआ है टीबी और फर्स्ट ट्रीटमेंट सपोर्टर के रूप में उसका ट्रेनिंग कराकर आप आई कार्ड और सर्टिफिकेट इशू कर फर्स्ट ट्रीटमेंट सपोर्टर के रूप में कर्ज दें। अगर ऐसा नहीं सुनते हैं तो क्या? ऐसा नहीं करते हैं तो हम सीएस ऑफिस में ताला लॉक करवा देंगे। आपका परिचय सर? राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश कुमार चौबे। और इस तरह का कार्यक्रम पूरे बिहार में ग्रामीण चिकित्सक मंच हर जिला में करेगा। श्री प्रकाश ऑर्नामेंट्स छपरा में आपका स्वागत है। नमस्ते, श्री प्रकाश ऑर्नामेंट्स के सारे ग्राहक बंधुओं को आपको फिर से याद दिलाना चाहते हैं। एक साल बाद फिर से हम प्रकट हो गए हैं धनतेरस ऑफर के साथ साथ, जो हमारा चलता है श्रीप्रकाश ऑर्नामेंट्स का खूब खरीदो खूब जीतो ऑफर, जिसे हम धनतेरस बोनांजा खूब खरीदो खूब जीतो ऑफर के नाम से जानते हैं। इसमें छोटी चीज होती है, आप कुछ भी खरीद सकते हैं, 1000 रूपये से ऊपर की चीज खरीद सकते हैं, और आपको एक लकी ड्रॉ कूपन मिलेगा। उस कूपन के तहत ड्रॉ होता है, उस ड्रॉ में आप मोटरसाइकिल से लेकर टीवी फ्रिज जो भी छोटे मोटे सामान हुए, इस बार 150 लोगों को प्राइज मिलना है, और वो भी 3 दिन के अंदर, यानी कि छठ पूजा से 2 दिन पहले हम लोग लगभग इसका ड्रॉ कर देंगे और उस दिन डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। क्योंकि लेट करने से हम लोग क्या होता है कि जैसे पिछले साल हम लोग का होली का ऑफर ड्रॉ होने वाला था वो ड्रॉ नहीं हो पाया था, और उसके लिए हम लोग माफी चाहते हैं, और उस पिछले साल का और इस साल का दोनों एक साथ ड्रॉ जो होगा हम लोग करके आप सारे लोगों को देंगे। हम सारे लोगों को धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं धनतेरस दीपावली को देना चाहते हैं। आप लोग आए और जरूर खरीदारी करें। श्री प्रकाश ऑर्नामेंट शुरू से आपका साथ देते आया है और देते आएगा, और शुद्ध क्वालिटी का सोने देने का वादा करता है। निर्माण का भरोसा लाल स्टील जीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील जीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती।